आप भी अपने फोटो एडिटिंग का शौकीन हो, अगर आप भी चाहते हो अपने स्मार्टफोन से किसी भी फोटो का एडिटिंग करके प्रो लेवल फोटो बनाना, हाई क्वालिटी में एडिटिंग करना चाहते हो, तो आज मैं बताने वाला हूँ एक ऐसा बेहतरीन एप्लीकेशन बताने वाला हूँ। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड प्ले स्टोर में आसानी तरीके से एप्लीकेशन मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद हाई क्वालिटी में आप अपने फ़ोटो को एडिटिंग कर सकते हो, हाई क्वालिटी में आप अपने फ़ोटो को दिखा सकते हो। तो पूरा प्रोसेस जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को ऑल पे सेट कर देना। जब भी मैं मोबाइल से रिलेटिव और यूट्यूब से रिलेटिव वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो चलो मोबाइल के सीन पर चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से आप अपने फ़ोटो को सही तरीके से एडिटिंग कर पाओगे। बेस्ट फोटो एडिटिंग के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में चले जाना होगा। प्ले स्टोर में जाने के बाद ये वाली एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना होगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करने से बात बनने वाला नहीं है। अगर जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखोगे तो सही तरीके से आप अपने फ़ोटो को एडिट नहीं कर पाओगे। तो हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहे। इस एप्लीकेशन को यहाँ से ओपन करना है। जैसे इस एप्लीकेशन को ओपन करते हो तो ज़्यादा इसमें झंझट कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर जैसे जैसे खुल रहा है, देखिए यहाँ पर फर्स्ट में यहाँ पर देखिए सेव एडिट फोटो पे आपको क्लिक करना है। आपको अपने गैलरी से एक फ़ोटो ले लेना है, जो भी फ़ोटो को आप एडिटिंग करना चाहते हो। इस फ़ोटो को हम ले लेते हैं। इस फ़ोटो को जैसे आप ले लेते हो तो देखिए यहाँ पे हमारा फ़ोटो एक्सपोर्ट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, अगर आप अपने यहाँ से शुरू से देखिए बहुत सारे आपको फ़िल्टर मिल जाते हैं। आप अपने फ़ोटो के बैकग्राउंड में जो भी आप फ़िल्टर इस्तेमाल करना चाहते हो, लाखों में हज़ारों में हर फिल्टर आपको मिल जाता है। यहाँ पे देखिए आप अपने बैकग्राउंड को किस तरीके से आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। यहाँ देखिए हमारा नेट थोड़ा स्लो है, इसके लिए देखिए बहुत सारे फीचर आपको नीचे मिल जाते हैं देखने को। तो यहाँ से आप लोग देखिए बहुत सारा फीचर मिल जाता है। तो कोई भी यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड यहाँ पे आप अपने हिसाब से चूज करके कोई भी बैकग्राउंड लगा सकते हो। उसके बाद फोर यू पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कटआउट का ऑप्शन मिल जाता है, क्रॉप का ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद फ़ोटो पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखिए एक कैंची का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से देखिए फिंगर का ऑप्शन मिल जाता है, बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर इस फ़ोटो एडिटिंग कर को अगर एक बार आप अपने फ़ोन में अगर डाउनलोड कर लेते हो तो बहुत आसानी तरीके से आप एक बार से दो बार देखिए हमारा बैकग्राउंड किस तरीके से चेंज हो रहा है। अभी यहाँ से देखिए इसका लाइटिंग कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो, जिस हिसाब से आप रखना चाहते हो उस हिसाब से इसका देखिए लाइटिंग कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो भी बैकग्राउंड लगाना चाहते हो, एडिट प्रोफाइल पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे भी बहुत सारे बैकग्राउंड मिल जाते हैं, कलर वाले बैकग्राउंड मिल जाते हैं, बहुत सारे बैकग्राउंड मिल जाते हैं, बहुत सारे कलर मिल जाते हैं। आप अपनी अगर ओनली फ़ोटो का अगर कलर चेंज करना चाहते हो तो फ़ोटो का भी कर सकते हो। अगर बैकग्राउंड सिर्फ आप बैकग्राउंड का भी कलर चेंज कर सकते हो, करना चाहते हो तो बैकग्राउंड का भी कलर चेंज कर सकते हो इस तरीके से देखिए। उसके बाद यहाँ पे अगर आते हो, यहाँ पे सेव वाले पे अगर क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे इमोजी मिल जाता है। आपको कोई भी इमोजी आप अपने फ़ोटो में बहुत आसानी तरीके से फाइड वाले या फ़ोटो या दिल या कोई भी चीज़ यहाँ से बहुत आसानी तरीके से आप यहाँ पे एडिट कर पाओगे। अगर किसी अदर वेबसाइट में आ जाके अगर किसी दूसरे एप्लीकेशन में आप अपने फ़ोटो को एडिटिंग करना करते हो तो बहुत सारे चीज़ को आपको यहाँ से परचेस करना पड़ता है, फ्री में नहीं मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है, इस एप्लीकेशन में, इस फ़ोटो एडिटर में, इस फ़ोटो सॉफ्टवेयर में हर चीज़ आपको फ्री में मिल जाएगा। कोई भी चीज़ आपको डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। और टेक्स्ट मैसेज का बात किया जाए तो यहाँ पे आप क्रॉप करके पूरा बैकग्राउंड को भी आप यहाँ से क्रॉप कर सकते हो। जो भी बैकग्राउंड चाहिए जिस कलर में, उस कलर का यहाँ से आप बैकग्राउंड यहाँ पे आप लगा सकते हो। उसके बाद देखिए अगर नीचे की तरफ देखोगे तो बहुत सारा टूल्स मिल जाता है, 20 से 25 टूल मिल जाता है। अगर आप अपने फ़ोटो के ऊपर में फ़ोटो भी लगाना चाहते हो तो ऐड फ़ोटो पे क्लिक करके लगा सकते हो, और यहाँ पे बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो जिस हिसाब से आप बैकग्राउंड रखना चाहते हो। आप अपने हिसाब से बैकग्राउंड भी चूज़ कर सकते हो, जिससे जो कलर आपको अच्छा लगता है वो कलर का बैकग्राउंड यहाँ से लगा सकते हो। देख सकते हो हमारा बैकग्राउंड देखिए बाजू में किस तरीके से चेंज हो रहा है, दिल के बाजू में। इमेज पे आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक्स्ट्रा इमेज भी, और जिस हिसाब से आप इमेज का लाइटिंग भी यहाँ से बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, क्रॉप कर सकते हो। यहाँ से देखिए बहुत सारा फॉन्ट मिल जाता है आपको, बहुत सारा फिल्टर मिल जाता है इसमें। अगर दूसरा वेबसाइट अगर आप लोड करते हो तो उस वेबसाइट में होता क्या है, बहुत सारे चीज़ आपको परचेस करना पड़ता है, ख़रीदना पड़ता है, पैसा देके पे करना पड़ता है। लेकिन इस एप्लीकेशन में कोई भी चीज़ ऐसा आपको ख़रीदना नहीं पड़ेगा, पे नहीं करना पड़ेगा, हर चीज़ आपको इस एप्लीकेशन में फ्री मिल जाता है।
फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। तो इस फोटो एडिटर को जैसे आप अपने फ़ोन में डाउनलोड करते हो, एक बार से दो बार में हाई क्वालिटी में आप अपने फ़ोटो को एडिटिंग कर पाओगे सही तरीके से। तो देखिए हमारा नेट थोड़ा अभी काम नहीं कर रहा है, इसके लिए कितना अच्छा अच्छा बैकग्राउंड आ रहा है हमारे पास। जो भी बैकग्राउंड चाहिए वो बैकग्राउंड यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। देखिए हमारा बैकग्राउंड किस तरीके से, आप अपने बैकग्राउंड को रिमूव करके ये बैक अगर सादा अगर फ़ोटो आप क्लिक करते हो कहीं भी तो ये बैकग्राउंड आप आसानी तरीके से लगा सकते हो, क्योंकि हमारे पास अभी बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड में लाइटिंग चल रहे हैं। इसके लिए अगर आप यहाँ से चाहो तो जिस सोशल मीडिया के लिए अगर आप फ़ोटो एडिट कर सकते हो, वो पूरा सोशल मीडिया का यहाँ पे आइकन मिल जाता है। जैसे इंस्टाग्राम हो गया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक, जो भी सोशल मीडिया के लिए आप फ़ोटो को एडिट करना चाहते हो हर सोशल मीडिया का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। कोई भी झार लगा सकते हो, कोई भी नाम लिख सकते हो। यहाँ पे देखिए किस तरीके से, यहाँ पे देखिए कितना सारा बैकग्राउंड मिल जाता है, अच्छा अच्छा बैकग्राउंड मिल जाता है। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोटो को अच्छी क्वालिटी में एडिटिंग कर पाओगे। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो कितना बेहतरीन तरीके से हमारा फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज होता है। देखिए कितना सारा फिल्टर मिल रहा है यहाँ पे। अगर आपका फ़ोटो का काम यहाँ पे पूरा प्रोसेस पूरा हो जाता है तो यहाँ से आप अपने आँख का भी लेंस चेंज कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे बहुत कुछ यहाँ पे मिल जाता है एडवांस लेवल में। यहाँ पे आँख का भी फिंगर चेंज करना चाहते हो, जिस हिसाब से फ़ोटो को आप एडिटिंग करना चाहते हो, लाइटिंग बढ़ाना चाहते हो, कम करना चाहते हो। देखिए हमारा चेहरा का खाली आप लाइटिंग बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप फिल्टर हिसाब से चेंज कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। उसके बाद देखिए यहाँ से देखिए किस हिसाब से चेहरा का लाइटिंग, यहाँ से देखिए अगर आँख का भी चेंज कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर आपको मिल जाते हैं, कोई भी चीज़ आपको परचेस नहीं करना पड़ता है, फ्री में हर टूल्स आपको फ्री में यहाँ पे मिल जाता है। हर चीज़ अगर पूरा पूरा एडिटिंग फुल हो जाता है आपके फ़ोटो में, अगर आपको लगता है हमारा फ़ोटो फुल एडिट हो चुका है तो यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। डाउनलोड के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए एडिट फ़ोटो पे आपको क्लिक करके आपका फ़ोटो गैलरी में सेव हो चुका है। तो उम्मीद है आप लोग को छोटी सी वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक कर देना। इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को ऑल पे सेट कर देना। जब भी मैं मोबाइल से रिलेटिव और यूट्यूब से रिलेटिव वीडियो बनाऊँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू भाई लोग।